गुड आफ्टरनून टू ऑल। सबसे पहले मैं आज आप सभी को मैरी क्रिसमस की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। मैं डिवाइन होम्योपैथी काउंसलिंग सेंटर में डॉक्टर रेखा आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसे कि हम हर बार कोई ना कोई एक नया टॉपिक लेके आते हैं और उस टॉपिक पे बात करते हैं, तो आज मैं आपके लिए एक प्रोडक्ट लेके आई हूँ। लास्ट टाइम हमने एक वीडियो बनाया था, वो था हेयर कलर का, और इस बार हम जो एक वीडियो बना रहे हैं वो है हीना पाउडर, जो कि मेनली डेली लाइफ में हम लोग बालों को कलरिंग करने के लिए या बालों में जो भी हम मेहंदी लगाते हैं, हम मार्केट में बहुत तरह की मेहंदी आती हैं, तो आज मैं जो आपको एक मेहंदी बता रही हूँ वो एक होम्योपैथिक मेहंदी है जो कि सनी हर्बल हीना पाउडर विद आर्निका है। इसको आप देख लीजिए, सनी एक ब्रांड है जो कि एक ये बैक्सिन ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का है। ये देखिए हीना पाउडर विद आर्निका। ये बाकी मार्केट में जो मेहंदी आती है, मैं डिफरेंस बता देती हूँ, ये उनसे क्यों ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि इसमें एक कंडीशनर मिला है और ये जो ड्राई एंड ग्रे डैमेज हेयर होते हैं आपके, उसको ये कंप्लीट ट्रीटमेंट देती है, उसमें कंडीशनिंग करती है, बालों को लंबा करती है, घना करती है और ड्राइनेस नहीं लाती है। जिस तरह आप देखते होंगे आप बाल में मेहंदी लगाते हो, आपके बालों में ड्राइनेस आती है, वो इसलिए आती है क्योंकि जो हीना होती है उसमें ड्राइनेस बहुत होती है, उसमें कोई कंडीशनिंग नहीं होती है। लेकिन ये जो मेहंदी है इसमें ऑलरेडी कंडीशनिंग के लिए जो जो इन्ग्रीडियंट मिले हैं उसको मैं आपको बता देती हूँ। इसमें हीना पाउडर है अलॉन्ग विद भृंगराज कत्था, जो बालों की कलरिंग के लिए दिया जाता है, जो और आंवला आप जानते हैं बालों को काला घना करती है, शिकाकाई ब्राह्मी आपको पता है कि पहले की लेडीज़ होती थी वो शिकाकाई से बाल धोती थी क्योंकि वो कंडीशनिंग होती है उनसे बालों की, एंड आर्निका आपको पता है बालों को मजबूत बनाता है, घना बनाता है और लंबा बनाता है। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि इसको यूज़ कैसे करना है और इसको आपने क्या करना है कि इसको एक किसी भी कांच के या प्लास्टिक के कंटेनर में लेना है, ल्यूक वार्म वाटर लेना है, कोसा पानी लेना है, जितना आपको अकॉर्डिंग टू नीड, जितनी आपको ज़रूरत है उतना आप इसको भिगो लीजिए। फिर इसका एक स्मूथ पेस्ट बना दीजिए ब्रश के द्वारा, फिर उसको 5-10 मिनट छोड़ दो, फिर उसके बाद ब्रश के द्वारा रूट से लेकर और नीचे जो रूट से लेकर अपने जो भी बालों की लेंथ है उस पर अप्लाई करो। और अगर आपको बालों का कलर है मतलब नॉर्मल कलर चाहिए तो आप 30 मिनट से लेकर 45 मिनट तक इसको छोड़ सकते हैं। अगर आपको इसके और डार्क कलर करना है बालों के लिए और अच्छी कलर आपको ज़्यादा देना चाहते हैं तो कम से कम इसको 3 घंटे अपने बालों में छोड़ दीजिए। जब आप इसको वॉश करेंगे तो आपने इसको सिंपल पानी से वॉश करना है, और फिर वॉश करने के बाद इसमें ऑयल अप्लाई करना है और नेक्स्ट डे फिर इसको कंडीशनिंग के साथ कंडीशनर अप्लाई करना है। इस तरह से मैं इस तरह को इसको यूज़ करना है। और इसके जो मैं आपको बता देती हूँ, ये आपको 200 ग्राम का मिलेगा और इसका MRP है 120 रुपये। ये किसी भी फार्मास्यूटिकल या किसी भी जो भी डीलर है या होम्योपैथिक आपके स्टोर है वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा, नहीं तो ये ऑनलाइन, या आप शिमला में हैं तो ये डिवाइन होम्योपैथी काउंसलिंग सेंटर न्यू शिमला से